मानव स्वयं को देह समझने के कारण अपने देह से जुड़े नाम मान व संबंधियों से इतना मोह कर बैठता है कि इस जीवन काल में बहुत कुछ इकट्ठा करने की चेष्टा से मुक्त नहीं हो पाता और यही होड़ ही असंतुष्टता को जन्म देती है। परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं कि ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने जीवन में संतुष्ट रहना ही मानव का परम कर्तव्य है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक योग शास्त्र है। इस योग शास्त्र में योगेश्वर भगवान ने मनुष्य आत्मा को योगी माना, कर्म योगी, सहज योगी बनाने के लिए योग मार्ग में आगे ले जाने की बहुत अच्छी, बहुत सरल और बहुत सुखदायी विधि अब बताई है। इसी बातों को हम सुनते सुनते आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में कितने भी योग मार्ग है या योग के अनेक सारी बातें बताई जाती हैं, क्योंकि 21वीं सदी योग की सदी मानी जाती है। हर कोई अपने तंदुरुस्ती को लेके बहुत सीरियस है। बहुत सारे योग विधि लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। बहुत सारे योग पुरुष, योग गुरु आज की दुनिया में आपको देखने को मिलते हैं, और पुरातन पतंजलि जैसे योग ऋषियों का भी बहुत महत्व बढ़ रहा है। लेकिन पतंजलि कहे या उनसे आगे भी किसी ने भी योग की बातें बताई हैं, उन सबका मूल श्रीमद् भगवद गीता ही है, क्योंकि स्वयं भगवान ही योगाचार्य है, मनुष्यात्माओं के तंदुरुस्त और मंदुरुस्त करने वाला, मनुष्यात्माओं की जीवन के रास्ते में फूल बिछाने वाला, सुख की अनुभूति कराने वाला, इस दुनिया का रचयिता और सबका कल्याणकारी तो स्वयं योगेश्वर गीताचार्य भगवान ही है। इसीलिए तो अर्जुन जैसी मनोदशा में व्यथित, मनोव्याकुलता से ग्रस्त, दुविधा व्यस्त मनुष्यात्माओं को योग के मार्ग में ले जाने के लिए तो स्वयं भगवान इस तरह पर अवतरित हुए और इतनी ऊंची गीता ज्ञान मनुष्यात्माओं के लिए उछारा है। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हमने अभी तक तो सुना था कि भगवान ने योग की बहुत अच्छी परिभाषा बताई कि योगः कर्म सुकौशलम्, सुकरम करने की कुशलता ही योग है। समत्वम योग उच्यते, समत्व को बनाए रखना ही योग है। और समाधवचला बुद्धे, मनुष्यात्मा के
अंतरात्मा में जब अचलता आ जाती है, बुद्धि निश्चल हो जाती है, तदा योगमाप्सिसि, उसी को योग कहेंगे। ऐसी बातें हम सुनते आए तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, साथ में ये तो स्पष्ट हो रहा था कि भगवान अर्जुन को अंतर युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अंतर संघर्ष में जीतने की रास्ता बता रहे हैं। हर मनुष्य आत्मा को, श्री सामान्य को कर्मयोगी के जीवन की महत्ता समझा रहे हैं, और इसी की पुष्टि देते हुए आगे चलकर अर्जुन पूछते हैं भगवान से। वेदव्यास जी के अनुसार, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित दोहो किम प्रभाषेत किमासीत रुजेत किम। आप जरा एक घड़ी के लिए रुक के सोचिए, अगर स्थूल युद्ध करना था तो स्थित प्रज्ञ की बातें अर्जुन क्यों पूछता है ना? पूछिए अपने आप से कि भगवान ने किस लिए कहा होगा या अर्जुन ने क्यों पूछा होगा। जब भगवान की इतनी सारी बातें सुनी, परमार्थ की बातें सुनी, लोकार्थ की बातें सुनी, साथ ही साथ में योग की बातें, कर्मयोग की बातें, सांख्य योग, ज्ञान योग की बातें, तत्व ज्ञान की बातें भगवान ने समझाई, और ये भी स्पष्ट किया, मेरी बातें समझने के लिए तेरी बुद्धि को अचल निश्चल बनाना होगा, तभी वेदवादरता इन सभी सुनी सुनाई बातों से ऊपर उठकर तू मेरी बातों को समझ सकेगा और उसी में अपने मन को निश्चल बना सकेगा। तब अर्जुन ये पूछते हैं, तो स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, और स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है, उसका व्यवहार कैसे होता है। अगर अर्जुन को युद्ध करना था, स्थूल युद्ध की बातें यहां पर हो रही थी, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण, वो भी इतने विस्तार से, वो बोलता कैसे है, वो सोता कैसे है, उसका चाल चलन कैसे होता है, इतने विस्तार से अर्जुन ने क्यों पूछा। साथ में एक बहुत सुंदर काउंसलिंग टेक्निक है ये, भगवान काउंसलर के रूप में आपको कुछ बातें बता रहे हैं। आपने अभी तक अपने मन में एक स्टेट ऑफ माइंड बना ली थी, ये माना ये, ये माना ये, ये माना ये, लेकिन भगवान की बातों ने उन स्टेट ऑफ माइंड को तोड़ा, उससे आगे आपको ले जाने का एक सुंदर प्रयास हुआ, और खुद की आत्मा ने, माना खुद ने ये पहचाना, हाँ ये भी हो सकता है। और ये यहां पर अर्जुन से प्रश्न पूछवाया गया या अर्जुन ने प्रश्न पूछा, इसका मतलब है जो काउंसलर कह रहा था, परामर्श चल रही थी, परामर्श में जो बातें बताई जा रही थी, उन बातों को हम सबके प्रतिनिधि अर्जुन सुन रहे थे, वो जागृत थे, रिसीविंग वाज सो फाइन, अच्छी तरह से रिसीव कर रहे थे, जिसके कारण अंदर बदलाव नजर आ रहा था, अंतरात्मा को वो बातें लग रही थी, जीवन में बदलाव करने का मन बना लिया था अर्जुन ने, इसलिए यह प्रश्न पूछा। तो जीवन में भी जिनके साथ हम जीते हैं, उनके साथ जीवन व्यतीत करते समय दोनों में चेतना का एक स्पंदन होना, एक दूसरे की बातों को सुनना, समाने के प्रयास करना, समझना, प्रेजेंट ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर में आपको कोई कुछ कह रहा है, बड़ा है या छोटा है, पापा है या बेटा है, पत्नी है या बहू है, सुना अनसुना करके नहीं चले जाओ, उन बातों को सुनो, जरूरत है तो ग्रहण करो और उनको रिस्पॉन्ड भी करो, तब तो जीवन में खुशी, आपसे प्यार बना रहेगा। ये एक बहुत सुंदर संदेश है यहां पर, भगवान माना बहुत ऊंचा,
सामान्य मनुष्य आत्माओं के प्रतिनिधि अर्जुन माना सामान्य, भगवान असामान्य है। असामान्य ने बातें सुनाई सामान्य के स्तर पर आके। ये हमने पहले भी सुनाया था कि जैसे शरीर एक वस्त्र है, एग्जाम्पल दिया भगवान ने, लेकिन असामान्य की बातों को सामान्य ने स्वीकार किया। तभी तो मन में ये प्रश्न आया कि सित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। मना मन में जागृति आई, मन सुनने को तैयार है, मन बदलाव के लिए तैयार है। इसकी एक बहुत अच्छा प्रूफ यहाँ पर हमें देखने को मिला। आगे चलकर ये स्थित प्रज्ञ कौन है इसके बारे में भगवान सुनाते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। कितनी अच्छी बातें हैं। जिसका मन, जो मनुष्य मन के कामनाओं से परे रहकर अपने को संतुष्ट रखता है या अंदर ही अंदर संतुष्ट रहता है, वो ही स्थित प्रज्ञ है। बहुत गहरी, बहुत सिंपल सी बातें हैं। संतुष्टता, आनंद बाहरी चीजों से कभी नहीं मिल सकते। आपने 36 प्रकार का भोजन कर लिया, फिर भी अगर आपके मन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो इतना खाने पर भी शुदा शांत नहीं होगी, भूख मिटेगा नहीं। तो संतुष्टि का अर्थ है हम अपने आप से जब संतुष्ट होते हैं, माना जो मुझे मिला है बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा। ये एक लाइफ स्किल है, मनुष्य आत्मा की जीवन जीने की एक कुशलता है। बहुत सुंदर एक घटना मुझे याद आती है। एक ही पेड़ में, वृक्ष में कोयल भी रहता था, कौवा भी। कोयल बहुत अच्छा गाता था, कौवा दूर बैठे कोयल के गाने को सुन के बहुत तन्मय होके सुन लेता था और खुश होता था। उसके आंसू टपकते थे कि कितना मृदु कंठ दिया है भगवान ने कोयल को, कितना मधुर स्वर है कोयल का। रोज रोज यही सीन, यही दृश्य की पुनरावृत्ति होती थी। एक दिन कव्वे के सामने भगवान प्रत्यक्ष हो गया और भगवान ने कहा कि रोज रोज तुम कोयल के गाना सुनते हो और बहुत रोमांचित हो जाते हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं तुम्हारे, तो ठीक है, आज मैं तुझे भी कोयल का वो मधुर कंठ प्रदान कर देता हूं, आज से तुम भी गाओगे। तो कौवा कहता है, नहीं भगवान, मुझे जो आपने दिया है उससे मैं बहुत खुश हूं। कौवे की गाना, कौवे की मधुर आवाज, कोयल का गाना, कोयल का मधुर आवाज सुनने की जो मुझे शक्ति आपने प्रदान की है, सुनकर आनंदित होने की शक्ति जो आपने प्रदान की है, इससे मैं खुश हूं। कोयल का अपना स्वरूप रहने दीजिए, मेरा अपना स्वरूप रहने दीजिए। शायद ऐसे वार्तालाप हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे जिसने भी लिखा है, सच में प्राणी प्रपंच में, पशु प्रपंच में कोई किसी से जलता नहीं है, कोई किसी से उनको पीछे हटा के आगे जाने का सोचता नहीं है। एक ही मानव है जिसके अंदर भावनाएं भी है, विवेक भी है, लेकिन जो मुझे मिला है वो मुझे बहुत अच्छा मिला है ऐसा सोच रखने वाले दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, जिसके कारण ही ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है। मनुष्य अपने आप से संतुष्ट नहीं है और अपने आप से संतुष्ट नहीं होने के कारण खुद से खुद परेशान है। याद रखेंगे हम सभी, अपने अंतर की परेशानी का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम अपने परेशानी का खुद ही कारण है। इसीलिए तो भगवान ने कहा
मन में जो कामनाएं हैं उन सब कामनाओं का त्याग करके मन में मनुष्य आत्मा अपने आप से जब खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसी व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ माना जाता है। कहने में बहुत छोटी बात है, लगता बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे हम सबको आदत बदलनी जरूर होगी। हमको जो पार्ट भगवान ने दी है, सोच समझ के दी है, और याद रखिएगा ये भगवान ने इस सृष्टि नाटक को बनाया है, तो हर एक मनुष्य आत्मा का निर्धारित पात्र है और वो पात्र की परिकल्पना स्वयं भगवान की है। तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ करना असंभव है और छेड़छाड़ करना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान, तीनों कालों को जानने वाला हम सबका रचयिता, हमको कुछ दिया है तो सोच के दिया है, तो इसमें अगर हम खुश होंगे, इसमें अगर हम संतुष्ट रहेंगे, तो जीवन के हर पहेली हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा गाना बन जाएगा। तो भगवान ने जो स्थित प्रज्ञ की बातें बताई, आगे चलकर भी बहुत सारे स्थित प्रज्ञ के लक्षण हम सुनेंगे, लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण भगवान ने बताया कि जो आत्मा अपने आत्म से तुष्ट है, संतुष्ट है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है। देखिए, जब हम अपने आप से संतुष्ट रहते हैं तो हम दूसरों से भी संतुष्ट रहते हैं। जब हम अपने आप से संतुष्ट है, दूसरों से संतुष्ट है, तो भगवान भी हमारे से संतुष्ट रहता है। इसलिए संतुष्टता सर्व गुणों की खान है, संतुष्टता है तो सब कुछ है। आज के मनुष्य जीवन में जरूरत है संतुष्टता की। एक जो दूसरे से हम जलते हैं, बहुत छोटी सी एक घटना मुझे याद आती है। एक बार एक बड़े संत एक गांव में आए, उन्होंने कहा कि मुझे एक अशरीरी वाणी हुई है कि आज रात आप लोग मन में जो भी इच्छाएं हैं, आपको क्या जरूरत है, वो सभी एक चिटकी में लिख के शहर के बाहर एक पीपल का वृक्ष है उसके नीचे रख के आ जाएंगे, तो सवेरे आपने जो लिखा है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। सभी ने लिखा, किसी ने गाड़ी, किसी ने बंगलो, किसी ने अच्छी बीवी, किसी ने अच्छी नौकरी, किसी ने अच्छा घर, ऐसे अपने मन की जो भी बातें थी चिटकी में रख के आ गए। उन्होंने सोचा था ये ऐसे ही हंसी मजाक में वो महात्मा कह रहे हैं, लेकिन सच में सवेरे होते ही जिन्होंने जिस चीज की चाहत रखी थी वो सारी चीजें उनके घर में मौजूद थी। लोग बहुत खुश थे, ऐसे आपको लगेगा, नहीं, कोई खुश नहीं था। पता है उस शहर में एक ऐसा फकीर था जिसने कुछ भी डिमांड नहीं की थी, वो एक ही फकीर आज भी खुश था, लेकिन जिनको ये सब प्राप्तियां हुई थी वो कोई भी खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे पता है? उन्होंने सोचा था ये महात्मा ने हंसी मजाक में कही है, इसीलिए बस एक आधी चीजें लिख दी थी। लेकिन सच में वो सभी चीजें मिल गई तो सभी के मन में ये विचार आया, अरे अगर पहले पता होता तो एक गाड़ी की जगह दो गाड़ी लिख देता मैं, अगर पहले पता होता तो मैं छोटे से घर के बदले में बड़ा महल लिख देता, 5 मंजिला घर लिख देता, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और बड़ी नौकरी की मांग करता। ऐसे जो मिला है ना उससे कोई संतुष्ट नहीं था, लेकिन जिसने कोई डिमांड नहीं की थी, जो फकीर था, वो कल भी खुश था, आज भी खुश था। कितनी अच्छी बात है। इसलिए भगवान ने ये जो बातें बताई, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा सदोच्यते, वो ही स्थित प्रज्ञा कहलाता है। कोई चीज, कोई वस्तु का रहना ना रहना अंतर की संतुष्टता का आधार नहीं है। अगर हम अंदर से संतुष्ट रहेंगे तो हमें झोपड़ी में भी उतना ही आनंद होगा जितना महल में आनंद मिलता है। लेकिन मनुष्यात्मा जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं रहता, जो नहीं मिला है उसी के बारे में सोचता। एक बात याद जरूर रखना, हमें बहुत कुछ मिला है जीवन में, बहुत कुछ। तंदुरुस्त शरीर मिला है, देखने के लिए 2-2 आंखें मिली है, सोचिए अगर एक ही आंख होता तो क्या हाल होता। चलने के लिए 2 पैर है,
बहुत अच्छी तरह से हम चल पा रहे हैं। सुनने के लिए दो कान भगवान ने दिए हैं। इन वस्तुओं की कीमत तब हमें समझ में आती है जब इन अंगों में कोई बीमारी हम महसूस करते हैं। एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने में कितना मेहनत, कितनी परेशानी, कितने पैसे लगते हैं। जब तक वो किडनी ठीक है तब उसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आती। ठीक इसी तरह घर में जो संबंध है उस संबंध की तब तक कद्र नहीं होता है जब तक उस संबंध से हम बिछड़ नहीं जाते हैं। जब वो संबंध ही बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं शरीर छोड़ के, तब उस संबंध के कद्र हमें महसूस होता है। लेकिन जो चले गए उसको हम वापस नहीं ला सकते। इसी तरह मनुष्यात्मा के अंदर जो अनेक वास्तविक सत्य है, आत्मा के स्वधर्म है, जब तक उस आत्मा के स्वधर्म की पहचान नहीं है तब तक हमें उसकी वैल्यू की या कीमत की महसूसता भी नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं मन में जो कामनाएं हैं, कामनाओं का अंत नहीं है। कामनाएं ही तो काम का भी मूल है। काम के कारण ही तो दुनिया इतना दुखी है और परेशान है। जैसे कि एक जंगल राज बन गया है, मनुष्य मनुष्य नहीं जैसे कि शैतान बन गया है। अगर इन शैतानी से, इन जंगलीपन से ऊपर उठना है तो अपने आप से जुड़ेंगे, अपने अंतर की शक्ति को पहचानेंगे, संतुष्टता से स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ेंगे। ओम शांति। गीता एक ऐसा योग शास्त्र है जिसके द्वारा परमात्मा बहुत ही सहजता और सरलता से कर्मयोग की विधि सिखाते और समझाते हैं कि निश्चल मन से सबके प्रति समान भाव रखकर सुकर्म के मार्ग पर चलते रहना ही योग है। जरा विचार कीजिए, क्या गीता में जैसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल एक अर्जुन के लिए ही था? वास्तव में अर्जुन तो हम सभी मनुष्यों का प्रतीक है, जो अपने अंतर मन में हर पल किसी ना किसी संघर्ष या द्वंद से घिरा हुआ है। गीता ज्ञान के माध्यम से स्वयं परमात्मा हम में इस आंतरिक युद्ध से जीतने की शक्ति भी भर रहे हैं और आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखा रहे हैं। यदि भगवान स्वयं इस धरा पर आकर श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं तो क्यों ना हम स्वयं को एक मौका दें और अपने खुले मन से इस ज्ञान को स्वीकार कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमारे जीवन को आनंद से भरने के लिए हमें चुने और हम अपने अलबेलेपन या नासमझी से इस सुहावने मौके को गवा दें। ओम शांति।